लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका के ऊपरी भाग में मौजूद ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि पूरा चीन इसमें समाहित हो सकता है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के बारे में आज तक आपने कई सारी बातें पढ़ी व सुनी होंगी। सहारा घर है इजिप्ट जैसे देशों का, वही इजिप्ट जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। इजिप्ट में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और मिस्र के पिरामिड्स कितने रहस्यमयी हैं ये भी आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन जिस रेगिस्तान में ये पिरामिड्स हैं, वो सहारा रेगिस्तान भी इन पिरामिड्स से कम रहस्यमयी नहीं है। साधारण सा दिखने वाला ये सहारा रेगिस्तान अपने अंदर ऐसे कई रहस्यों को समेटे बैठा है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस बंजर जमीन पर भी कभी जीवन हुआ करता था? आखिर क्यों सहारा रेगिस्तान को एलियंस से जोड़कर देखा जाता है? वेल, तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो सहारा रेगिस्तान को लेकर आपकी धुंधली सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन सहारा रेगिस्तान में 5000 साल पुरानी एक औरत की अस्थियां मिली जिसे 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इससे तो ये साबित होता है कि एक समय ऐसा भी था जब सहारा रेगिस्तान में भी जीवन हुआ करता था। और रिसर्चर्स तो ये तक कहते हैं कि एक समय पर पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान हरा भरा व उपजाऊ हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में किए गए इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि आज से करीब 6000 साल पहले वहाँ हरियाली थी और उत्तर अफ्रीका का एक बड़ा सा हिस्सा पेड़ों व झीलों से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों की एक टीम सहारा रेगिस्तान में डायनासोरों के अवशेषों की तलाश कर रही थी और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला और आगे हुई खोजबीन में कई तरह के पशु, बड़ी मछली और मगरमच्छ के भी अवशेष मिले। साल 2005 से लेकर 2006 तक इस स्थान पर 200 कब्रों को खोजा गया। सहारा के हरे भरे नाइजर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे वैज्ञानिकों को 2 नए मांसाहारी डायनासोर के सबूत मिले। दोस्तों, मांसाहारी डायनासोरों के होने का मतलब ये है कि शाकाहारी डायनासोर या ऐसे जानवर भी जरूरी रहे होंगे जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हों। मांसाहारी डायनासोरों का मतलब शाकाहारी जानवर, और शाकाहारी जानवरों के लिए पेड़ पौधे, जो साफ साफ इस ओर इशारा करते हैं कि एक समय पर पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। साल 2008 में पब्लिश की गई एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पाए गए डायनासोर में से एक तरह का डायनासोर जीवित जानवरों का शिकार किया करता था और दूसरे प्रकार के डायनासोर अधमरे व मृत जानवरों से अपना पेट भरता था। इस रेगिस्तान में उपजाऊ मिट्टी होने के भी प्रमाण मिले हैं। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने बताया कि पूरे एरिया में बड़ी संख्या में इंसानों के साथ साथ जानवरों की अस्थियां बिखरी पड़ी मिली, जिससे ये साफ होता है कि जानवरों के साथ साथ वहाँ पर इंसान भी रहा करते थे। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि सहारा रेगिस्तान में 2 भिन्न प्रकार के इंसानी समूहों का वास था। पहले समूह को किफियान कहा जाता है। माना जाता है कि ये लोग सहारा में 10,000 से 8,000 साल पहले रहते होंगे। दूसरे समूह के लोग जो सहारा में रहा करते थे उन्हें टेनेरियंस कहा जाता है। बताया जाता है कि ये लोग 7,000 से लेकर 4,500 साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में एक समय पर लोग रहा करते थे और वे धार्मिक मान्यताओं का भी पालन किया करते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता कि ये 2 अलग अलग तरह की सभ्यताएं सहारा रेगिस्तान में पनपी होंगी। 2 अलग अलग तरह के लोग, उनकी शारीरिक बनावट के साथ उनके खान पान में भी अंतर देखा गया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सहारा, जो एक समय तक हरे भरे पेड़ पौधों से लबालब था, जहाँ पर विचित्र प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, 2 भिन्न इंसानी समूहों के लोग, यहाँ तक कि खूंखार डायनासोर भी रहा करते थे, उस सहारा का ये हाल कैसे हो गया? क्या कारण रहा जिसने सहारा की पूरी कायनात पलट कर रख दी? आखिर कैसे सहारा फलते फूलते व हरी भरी जगह से एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गया? वेल, दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है। इस सवाल को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। एनवायरमेंट आर्कियोलॉजिस्ट डेविड राइट के अनुसार मवेशी जानवर सहारा की इस हालत के पीछे जिम्मेदार हैं। डेविड राइट के अनुसार गाय, भेड़, बकरी और कुछ अन्य जानवरों ने सहारा के लोकल वेजिटेशन को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। पेड़ पौधे समय के साथ खत्म होते गए और बारिश में एक भारी कमी देखी गई। मिट्टी जो एक वक्त उपजाऊ थी वो रेतीली होती चली गई और पूरे सहारा में सूखा पड़ने लगा। सूखा ने धीरे धीरे करके सहारा रेगिस्तान में बची कुची जितनी भी वेजिटेशन थी उन सबको खत्म कर दिया और यहीं से हरे भरे सहारा के अंत की शुरुआत हुई। और कुछ ऐसे ही चाइना के बराबर का ये
सहारा हजार सालों में ही रेगिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इन मवेशी जानवरों के कारण ही सहारा बंजर बन गया। सहारा में रह रहे लोगों ने पहले से ही पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी और जंगलों को साफ करने लग गए थे। साल 2018 में वैज्ञानिकों के ग्रुप ने अपनी एक नई हाइपोथेसिस प्रेजेंट की, जिसके अनुसार लगभग 500 सालों तक इंसानों ने सहारा रेगिस्तान में जमकर पेड़ों की कटाई की और वहां के इकोसिस्टम को खराब करते रहे। इसका मतलब सहारा को एक रेगिस्तान में तब्दील करने में जितना योगदान जानवरों का था, उतना ही योगदान इंसानों का भी था। वैज्ञानिकों का एक और ग्रुप सहारा की इस कंडीशन के लिए धरती के एक्सेस को जिम्मेदार मानता है। पिछले 2.5 लाख सालों तक वेस्ट अफ्रीका में प्रिसिपिटेट हो रहे डस्ट की पढ़ाई करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर 20,000 सालों में सहारा और उत्तरी अफ्रीका का क्लाइमेट ह्यूमिड से ड्राई हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान धरती के एक्सेस का टिल्ट चेंज हो जाता है। अगर वैज्ञानिकों की ये हाइपोथेसिस सही है तो अगले 10,000 सालों में सहारा एक बार फिर से घने जंगलों से भर जाएगा और एक बार फिर से पशु पक्षी व इंसान वहाँ रहने लग जाएंगे। एक बार जरा सोच कर देखिए कि 10,000 साल बाद लोग इसी तरह की कोई वीडियो देख रहे होंगे और ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि 10,000 साल पहले सहारा एक रेगिस्तान था। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो सहारा एक बंजर जमीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है और ऊपर ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन दोस्तों, सहारा अपने अंदर पानी का खजाना छुपाए बैठा है। इस रेगिस्तान में मौजूद देश जैसे कि इजिप्ट, लीबिया, सूडान और चैड के नीचे इतना सारा पानी मौजूद है कि ये इन सारे देशों की टेरिटरीज को 75 मीटर पानी के लेयर से ढक सकता है। रिसर्च बताती है कि जमीन के अंदर का ये पानी 1 लाख से 10 लाख साल पुराना हो सकता है। सहारा के इस रीजन के अंदर इतना सारा पानी है कि ये अफ्रीका के अधिकतर देशों की वाटर डिमांड्स को पूरा कर सकता है और फ्रेश वाटर की दिक्कत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन इस पानी को अंडरग्राउंड से निकाल पाना बहुत कठिन है। इस समय तक केवल लीबिया ही इस पानी का प्रयोग कर पाया है, वहीं बाकी अन्य देश रिसर्च किए जा रहे हैं इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और ये स्ट्रक्चर है सहारा की आंख। अब दोस्तों, ये आंख इंसानी आंख की तरह तो देख नहीं सकती, लेकिन सहारा रेगिस्तान में एक ऐसी कलाकृति मौजूद है जो हूबहू इंसान की आंख की तरह दिखाई देती है। इस आंख जैसे दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर को द रिचेट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये रिचेट स्ट्रक्चर सहारा के मोरिटियाना नामक एक जगह पर मौजूद है और ये 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, सहारा की ये आंख अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे बैठी है और यही कारण है इसके इतने चर्चा में होने का। सहारा की इस आंख की एक खासियत ये है कि ये स्ट्रक्चर केवल आसमान से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। इस आंख जैसी आकृति की सबसे पहली फोटोग्राफ 1960 के दशक में जेमिनी स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ली गई थी। बाद में दूसरे सैटेलाइट से इस आंख की तस्वीर खींची गई, जिससे इस स्ट्रक्चर के बारे में वैज्ञानिकों को कई अन्य चीजों का पता चला। शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये लगता था कि सहारा की इस आंख जैसी कलाकृति का निर्माण तब हुआ होगा जब एक एस्ट्रॉइड सहारा के इस जगह से टकराया होगा। लेकिन बाद में जब इस स्ट्रक्चर में मौजूद पत्थरों की और पढ़ाई की गई, तब पता चला कि ये स्ट्रक्चर किसी एस्ट्रॉइड के टकराव से नहीं बन सकता। इस स्ट्रक्चर की जैसी बनावट है वैसी बनावट इंसानों द्वारा बना पाना असंभव है और इसी कारण कई लोगों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर एलियंस ने बनाया होगा। सहारा की इस आंख को हमेशा से ही एलियंस से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा होना लाजमी भी है। जिस भी चीज को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते उसे अक्सर एलियंस से जोड़कर देखने लग जाते हैं। लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर को सच में एलियंस ने ही बनाया है? वेल, चाहे कुछ भी हो, इस बात की संभावना ना के बराबर ही है। तो सवाल अभी भी वही का वही है, कैसे बना ये स्ट्रक्चर? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आज से कुछ लाख साल पहले जब सहारा का ये पार्ट समुद्रों से घिरा था, तब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस स्ट्रक्चर की रचना हुई। बताया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाले लावा के साथ कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हुए जिसने इस स्ट्रक्चर की नींव रखी। जब लावा ठंडा हुआ तो कई सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हुए और समय के साथ लावा और बाकी अन्य चीजें सर्कुलर शेप में ढलती गईं और अंततः इसकी आंख का निर्माण हुआ। स्ट्रक्चर में मिले पत्थर इसके निर्माण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन पुराने पत्थरों पर की गई रिसर्च के बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण तब से ही शुरू हो गया था जब पेंजिया कॉन्टिनेंट
ट्रेंड टूटना शुरू हुआ था। दोस्तों, सहारा की ये आंख एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हर साल हजारों की संख्या में दुनिया भर से लोग इस आंख को देखने आते हैं। अब हाँ, ये एक आरामदायक ट्रिप तो नहीं है, लेकिन सहारा की आंख को अपनी आंखों के सामने देखना जाहिर तौर पर एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।